गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 71 और हमारा ऑलमोस्ट पैकअप होने वाला है। और हमारी रात गुजरी आज थाने में बहुत अच्छे से नींद आई। हम लोग आज 9 बजे तक सो गए भाई के बदौलत, क्योंकि भाई ने बहुत अच्छा मतलब रिलेशन बना के रखा था ना, इसलिए सुबह 9 बजे तक सो लिए। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा था, मतलब कुछ नहीं, ऐसे ब्लॉग के लिए था। हाँ तो बहुत अच्छे से सो लिए, नींद को ज़्यादा ही आ रहा था। कोई नहीं, अब निकलते हैं। 9 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, इतना तो रात को बना लिया था। तो फिर हो गया, इधर जो हमारे लिए टेंट लगा था, कल लगाए थे, उसको भी निकाल दिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। कोई नहीं, तो हम लोग बाजार से फाइनली निकल चुके हैं। चाय वाय भी पी ली हम लोगों ने। चाय ठेले पे रुके थे तो भैया लोग बहुत सारे मिल गए थे, तो उन्होंने चाय वाय के पैसे भी नहीं लिए। और ये ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का बाजार, सिटी टाउन जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ज़्यादा खास नहीं है, पर ओके ओके है, ज़रूरतमंद की चीज़ें मिल जाती हैं, लोग भी हैं यहाँ पे, और आबादी थोड़ा सा आबादी क्षेत्र है ये, तो ऐसा है गुरु। और यहाँ पे जो है ना, धान का सीज़न अभी हो गया है ख़त्म, मतलब कटाई शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे धान ऐसे निकाला जाता है पूरा। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है, देखो ये पूरा धान है और ये धान ऐसे निकाला जाता है यहाँ पे। मतलब ये मशीन मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में, ये कितने प्यार से निकल रहा है ये। ये देखो, और ये इधर फेंकाता है धान, इधर आता है ये पूरा जो भी है घास फूस, और कुछ नहीं करना है, बस उठा के ऐसे रखना है। उसमें कील वील लगा हुआ है, वो दिख रहा होगा शायद आपको, और वो निकलता जाता है पूरा फिकाता है वह। तो यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, हम पहली बार देखें इसको। बंगाली में पूछते रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ भी पूछते तो मैं बोलता हूँ रायपुर से आया हूँ, गैंगटॉक जा रहा हूँ, कलकत्ता और उड़ीसा होते हुए आ रहा हूँ। ऐसा होता है। सौरभ बैठ गया है शायद कहीं। देश मेरे तू भौरा चला ले, क्या बोलते हैं इसको हम लोग की तरफ छत्तीसगढ़ी में, भौरा। भौरा हिंदी में लट्टू, लट्टू है ये लट्टू। इसको देखो कैसे नचाता हूँ मैं, जैसे लोग नचाते हैं ना, तो मैं इसको नचाऊंगा। हम दादा छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं पूरा भारत। हेटे हेटे हो गया सक्सेस नहीं है, भूल गया। देखना मैं चलाता हूँ। तो हम लोगों को आखिरकार मिला 10 किलोमीटर चलने के बाद होटल, और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, छोटा सा है पर यही है जो है भैया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो खाना आना मिल जाएगा अपने को बढ़िया तरीके से, मस्त 4-4 रुपये है, लाएंगे खाएंगे। दिवानिशी होटल है ये, और ये मुड़ातीपुर में है। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और इसको भयंकर आला सारा है, शक्ल देखो तो आधे घंटे से ज़्यादा सो चुका है, उसके बाद भी आला सारा है इसको, क्योंकि ये सो चुका था। आज वॉक किया है 10 किलोमीटर अभी तक का, और अभी टाइम 3 बजने जा रहा है, तो 10 किलोमीटर और वॉक करेंगे, टोटल 20 हो जाएगा। देन फिर रेस्ट करने का सोचेंगे, या कहीं जगह अच्छी मिल जाती है 25 किलोमीटर पे या 20 किलोमीटर पे, तो हम वहीं रुक जाएंगे। चलो कच्चा बादाम 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 बादाम, मेरे छोटे छोटे दोस्त, ये बाय 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 बाय। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ रास्ता मिल नहीं रहा है, बोर लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, अचानक से हमको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और सेल्फी 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 खेल रहे हैं वो देखो। और ये भैया मिले हैं हमको, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और हमारे लिए है बिस्किट और चाय, ये भाई अपने लिए चाय लाए हैं। भाई हेलो बोलो, लड़की मिल जाएगा। हाँ श्योर मिलेगा,
कहाँ मिलेगा लड़की मेरे लिए? यहाँ मिलेगा। वहाँ देखिए अब लोग दोनों है, दोनों के लिए दूसरों लड़की लगेगा। चश्मा मैं लगाऊंगा। अच्छा नहीं देगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं कहाँ रुका हूँ। हम लोग कहाँ रुके हैं? हम लोग यहाँ रुके हैं और यहाँ रुके हैं और यहाँ रुके हैं। चश्मा दोगे तो आगे बढ़ने देंगे, ऐसे चलता रहेगा वीडियो। तो गाइज हम लोग फाइनली आ गए हैं ढाबे पे। ढाबे का नाम है साइन ढाबा और आज हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं किए हैं, वॉक किए हैं केवल 19 किलोमीटर क्योंकि आगे 18 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलने वाला हमको। और रात हो गई है, टाइम हो रहा है कितना नहीं बताएंगे, नहीं बताएगा टाइम हो रहा है इतना। तो हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे खाएंगे और सुबह निकल जाएंगे। खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो रखो, रखो बंद करो, बंद करो। मॉर्निंग एवरीवन, डे 72 और जगह का नाम है पालितपुर जहां हम रुके हुए थे रात को और ढाबे का नाम है शाइन ढाबा। ये देखो लिखा है शाइन ढाबा और हम लोग रात को यहीं रुके थे क्योंकि आगे 18 किलोमीटर पे कुछ था नहीं जैसा कि आपको पता है। और रात को यहां ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, मतलब हम एक ही स्लीपिंग बैग में सोचे थे हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ। सुबह इतनी जोर की ठंड लगी है कि हम लोग स्लीपिंग बैग इधर उधर खींच रहे थे। सो अभी दादा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दादा, दो हाथ भी, दोनों हाथ भी। ए गोस्पा क्या तो खूब भालो छेले ऐसे कि जानो क्या नहीं गुनी थे बड़ो को दे दियो। दादा से प्यार मिल गया मुझे, सुबह सुबह आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं कितना किलोमीटर चलना है। फिर भी 30 किलोमीटर तो चलना ही है अपने को क्योंकि आजू बाजू मतलब कुछ मिलेगा नहीं हमको। मैं भी शायद 18 किलोमीटर पे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा भी तो किस्मत है हमारी, ऐसा वाला बात है। क्या कह रहा है वे? कैसे खा लेते हो वे? कैसे खा लेते हो? चलो दादा बाय बाय सबको, बाय बाय करो ना। हाँ आते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ खाया था खाना और थोड़ा सा रेस्ट भी किया, ये था होटल। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए और ये है रास्ता। और हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ रुके हुए थे। देखो यहाँ पे भीड़ लग गया है सौरभ को देखते देखते। हेलो बोलो भैया। हेलो हेलो, ठीक है भाई। यहाँ पे भीड़ लग गई है पूरी। और ये दादा हैं, चाय पिए यहाँ पे अपन। तो सौरभ बता रहे हैं ना सब कुछ कैसा है, कैसा कर रहे हैं, तो रहे हैं पूरा। ठीक है, तो दादा कैसा लगा सुन के? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो सही है, हमारी मेहनत सफल हो रही है मतलब। ठीक है भारत घूमेंगे पूरा। कैसे हो? चलो चलो घूमने चलोगे? दादा भी चलेंगे हमारे साथ, मेरा पापा है। अच्छा, तो आज हमारी रात हो गई है, 72 डेज कंप्लीट हो गए आज हमारे। तो रास्ते में हमको दिखा ये ढाबा, ढाबे का नाम बड़ा अजीब है यार, समझ ही नहीं आ रहा हमको ढाबे का नाम क्या दादा। ये किचुकन ढाबे का नाम है। और ये जगह क्या बताया था? पुटी साको, अजीब नाम है, पुटी साको जगह का नाम है। और ये होटल, और ये होटल के ओनर है सर, इनसे हमने बात कर ली है। सर हेलो बोल दो एक बारी। हेलो। और ये होटल के ओनर हैं तो इनसे बात कर लिया, तो दादा ने स्पेस दे दिया है हमको। होटल में रूम नहीं है पर हमको जगह मिल गई, हम यहाँ पे अपना कैंपिंग करेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे और सुबह उठ के चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दादा। हेलो हेलो, मैं सौरभ।
बात हो गया, वही बता रहे थे क्या है कैसे। अच्छा तो मैं दिखा देता हूँ अंदर से होटल कैसा है। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा है यार, अंदर से देखो। बादाम बादाम कच्चा बादाम बादाम, बढ़िया है। मैंने मुद्दतों से चाहा है मैं शाम को सुबह होते देखूं। मैंने मुझसे चाहा है मैं परिंदों से ऊंचा उड़ता देखूं। मैंने जो नहीं चाहा वो शायद मोहब्बत है तुम्हारी। मैंने मुझसे चाहा है मैं खुद को खुद का होते देखूं। और ये हमारा नया टेंट जो हमने कोलकाता में लिया था, वो पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा। आज से बात करने दो हाँ, अरे क्यों, हम दिखा रहे हैं हमारा नया टेंट। मेरा नया दोस्त है भाई। हाँ तो ये हमारा नया टेंट है भाई, इसको इसको भी देखो कितना प्यारा है। ये दो लोग के लिए है और ये सारे मौसम के लिए है और ये बहुत अच्छा है। हम एक बार और ट्रायल कर चुके हैं लेकिन वीडियो पे नहीं दिखाया, तो ये अभी दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए ये है हमारा प्यारा सा घर जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ओके, मिलते हैं खाने के बाद, बाय। हाँ तो रुको 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 रुको, हाँ ये है हमारा नया छोटू दोस्त नासिम। नासिम शेख। और ये कहाँ से हो भाई? सुल्तानपुर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, थाना केतुग्राम, पोस्ट खांजी। पोस्ट खांजी, पिन कोड 7131 7131 है ना? ठीक है ठीक, ताली मारो इसी बात। हाँ और बोलो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, अब चलो निकल लो। ऐसा था तो ये हमारा आज का बाय बाय टाटा।